जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। शहीद हुए जवानों में से मोगा के कस्बा कोट ईसे खां के रहने वाले जैमल सिंह, जो कि सीआरपीएफ की बस चला रहे थे, वो भी हमले के दौरान शहीद हो गए थे। वहीं आज जैमल सिंह की पत्नी सुखजीत कौर ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि पिछले साल 14 फरवरी को सुबह श्रीनगर रवाना होने से पहले उनके पति जैमल सिंह का उनको फोन आया था और उन्होंने कहा था कि वह शाम को पहुंचकर फोन करेंगे, लेकिन अभी तक उनका फोन नहीं आया। लेकिन जब उन्होंने टीवी पर देखा कि पुलवामा में एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिससे वह बहुत घबरा गई और थोड़ी ही देर में उनको फोन से यह सूचित किया गया कि इस हमले में जैमल सिंह शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि जैमल सिंह चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर फौज में जाए और देश की सेवा करे। मैडम, जैमल सिंह पुलवामा आतंकवादी हमले में पूरा साल होने जा रहा है, की कहना चाहूंगे तुसी? सर, साल तो ऐसे निकला, मैं पता नहीं चला कि जैसे हमें एक तो पहले यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें कुछ हुआ है, तो ऐसे लग रहा कि अभी भी वो आएंगे, अभी भी आएंगे, कि भरोसा नहीं हो रहा कि हमें हमारे दिमाग को कि उनको कुछ हुआ है। तो हमें निकला साल कैसे निकला, बहुत मुश्किल, उनकी एक एक छोटी जगह पे इतनी कमी महसूस होती है ना, तो हम बयान नहीं कर सकते। गुरप्रताप सिंह है उसका, आपका बेटा है, क्या कहता है वो? जी, बहुत ज़्यादा अपने पापा को मिस करता, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे पेरेंट्स मीटिंग में जाना तभी भी तो और भी ज़्यादा मिस करता। मम्मी दोनों के मदर फादर आते और मेरे फादर, तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, वेट करो, पापा जी आएंगे, हाँ बड़े होंगे पापा जी जरूर आएंगे, लेकिन अभी उसके दिमाग में यही कि जब मैं बड़ा हूँ तभी मेरे पापा जी आएंगे। आप कोई मैसेज देना चाहते हैं सरकारा नु तुसी चैनल दे माध्यम राही? सर देखो, कितना बड़ा हादसा हुआ है ना, तो इससे बड़ा उनको मैसेज नहीं मिलेगा, हमारे कहने पे तो कोई मैसेज नहीं मिलेगा। उसके बाद कोई हमारे से आज तक कोई अफसर बड़े नेता तक पूछा तक नहीं फोन करके कि आप कैसे लोग हो, कैसे रह रहे हो, तो हमारे मैसेज से कोई असर नहीं होगा किसी को भी। पहले कह रहे थे कि यादगार बनाई जाएगी इनकी याद में, कोई यादगार बनाई? नो सर, कोई यादगार नहीं, स्कूल का नाम बोला था गया था वो भी नहीं बना है, उनके लिए रोड बनाएंगे वो भी नहीं बना है, बोले थे कि हम उनके लिए गेट तैयार करेंगे, कुछ भी नहीं, कोई एक कॉलेज खोला जाएगा, कुछ भी ऐसा एक भी काम नहीं हुआ उनके, साल होने को आ रहा है। सरकारों को कहेंगे जो आपने वादे किए थे पूरे करने चाहिए? करने चाहिए कि उन लोगों को याद रखा जाए, कि कम से कम उनके एरिया के लोग याद रखे, जो उनकी याद में उनके नाम पे कॉलेज है या उनके नाम पे कोई स्टेडियम है, तो कुछ ऐसा नहीं आज तक किसी नेता या किसी ने फोन करके नहीं पूछा कि हमने आपसे ये वादा किया था जो आज नहीं थे, थोड़े दिन के बाद जाके कैसे भी पूरा करेंगे, नहीं कुछ नहीं हुआ है। वहीं रोते हुए जैमल सिंह की माता ने कहा कि उनके बेटे ने जो देश के लिए शहादत दी है उस पर उनको गर्व है। उन्होंने कहा कि एक माँ से उसका बेटा छीनने का दुख सिर्फ माँ ही जानती है। उन्होंने कहा कि दिन रात वह जैमल सिंह को याद करती हैं। तो सिकाल तो रोना बिल्कुल नहीं तो माता जी, पुलवामा आतंकवादी हमले में एक साल पूरा होने जा रहा है, जिस विच अपने जैमल सिंह की भी मौत हो गई सी, की कहना चाहोगे? यही कहना चाहोगे, साल हो गया पुत गए घरों, हिसाब ला लो भी बाप मापिया बुढ़िया का जवान पुत चला जाए तो मापिया का की जिंदगी है, मापिया दिया नींदा उड जा रात दिया, बड़ा मुश्किल हो जाता, बच्चे मापिया का सहारा होंगे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਗਲੋਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਮਰ ਗਏ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ शहीद जैमल सिंह की बहन ने भावुक होते हुए कहा कि उनके भाई के एक साल बीत जाने के बाद भी आज तक वह उनको याद करके रोती हैं। उन्होंने कहा कि उनके भाई जैमल सिंह की ख्वाहिश थी कि उनका भांजा भी फौज में जाए और देश की सेवा करे। भैन तो भरा भी छड़ गया मिल नहीं सकता, जो मेरे ना मेरा वीर वादे करता सी वादे कोई नहीं पूरे कर सकता। मैं दो भरावां दी इक लाड़ली भैन सी, ਅੱਜ ਵੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਚੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਰਦੀ 'ਚ ਖਾਕੀ ਪੱਗ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਰਾ ਦਾ ਜੋ ਦਰਦ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ CRP 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ +2 ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕਢਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ। पंजाब से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।